अब मैं सर आपसे स्टेप वाइज पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बता अभी अब अप्रोच की बात कर ली कि इस जी तरीके से अप्रोच करना चाहिए साथियों आप लोगों को एज ए बायर, और अगर कोई मना कर रहा है तो सीधे आप उसे छोड़ दीजिए, कितना भी अच्छा डील मिला क्या मिला उसे छोड़ने में बिल्कुल भलाई रहेगी आपकी। ये चलते हैं आगे दो चीज़ें, जब सोसाइटी हैंडओवरिंग होता है उसकी मुसीबतें, और उसमें जो आप किस तरीके से स्टेप आगे बढ़ते हैं यानी कि वो जो ट्रांसफ़र हो जाए उसके किस तरीके से क्रियाएं हैं, क्या उसके स्टेप्स हैं, प्लस जब कन्वेंस डीड करना होता है तो उसे थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल रूप में बताइए क्या क्या होता है। बिल्कुल, मैं सोसाइटी हैंडओवर को थोड़ा छोटा सा रखूंगा पार्ट को, हाँ बिकॉज सोसाइटी हैंडओवर मैंने देखा अब अभी तो डेवलपर खुद ही कर देते हैं, डेवलपर लोग खुद ही चाहते कर हैं भाई देंगे, अभी तुरंत ले लो, क्योंकि उसमें ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं रहता, अंटिल वो बहुत बड़ा बिल्डर हो जिसको वो पीरियोडिकली मेंटेन कर रहे हो यस या कंसल्टेंसी जैसा चलाना हो, बट नॉर्मली मिड साइज के बिल्डर उसको फटाक से आपको हैंडओवर करके निकाल देंगे। आई वुड प्रेफर कि इस चीज में आजकल बहुत सारे कंसल्टेंट्स मार्केट में अवेलेबल है। हमारा क्या होता है, हम लोग कॉमन मैन जो रहते हैं हमको पता नहीं रहती चीज़ें हैंड ओवर के राइट टाइम क्या क्या लेनी है, मुझे क्या प्लान्स लेने हैं, मुझे क्या ऑडिटेड स्टेटमेंट लेनी है, मेरे टोटल कितने पैसे किस अकाउंट में जमा हुए थे, मेरे शेयर के पैसे किस अकाउंट में जमा हुए थे, मुझे किस किस चीज़ों का हैंड ओवर लेना है, मुझे क्या क्या जो चेकलिस्ट कॉस्मस हमने लेनी दिया उसका कैसे यूटिलाइजेशन है, हुआ कैसे है, मिलना है, नहीं यूटिलाइजेशन मिलना हुआ है। मुझे पिछले 2 साल का मतलब क्या होता है, बिल्डर हैंड ओवर करके 3-4 सालों तक अपने पास ही रखता है, मतलब हैंड ओवर करने से पहले 3-4 साल तक अपने पास ही रखता है, क्योंकि नॉर्मली अभी बिल्डर सारे फेजेस में बिल्डिंग बना रहे हैं और हम लोग तो मेंटेनेंस जो भी मार्केट रेट वो डिसाइड करता है हम लोग उसको देते जाते हैं, एंड ठीक है वो भले अपना अकाउंट करता है बट वो अकाउंट कंटिन्यूसली उसके कंट्रोल में रहता है। उसके बाद वो बाकी सारे यूनिट्स बेचता है, एनओसीज देते रहता है, काफ़ी सारे नए शेयर्स ऐड होते हैं, मेंबर्स ऐड होते हैं, तो एक बार मुझे लगता है कि लीमन मैन को उतना सारे चीज़ों का डिटेल रहता नहीं है, कोई भी कंसल्टेंट हायर करो वो ज़्यादा अच्छा वो रहेगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले कन्विंस डीड आप सब लोग आई होप समझ रहे रहेंगे, आपने जो भी बाय किया है आपने एक यूनिट बाय किया एक बिल्डिंग में, जैसे मैं 10वें माले के एक फ्लैट में रहता हूँ तो मैंने ये कंस्ट्रक्टेड फ्लैट बाय किया है, कल जाके अगर ये बिल्डिंग गिरती है तो मेरा नीचे की लैंड पे कोई 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 हक नहीं है, राइट। तो हम लोग जो भी एग्रीमेंट करते हैं, आपने अगर एग्रीमेंट भी पढ़ा रहेगा उसमें खाली फ्लैट के एरिया के बारे में या फ्लैट के स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन रहता है। तो कन्वेंस क्या, बेसिकली कन्वेंस मेरे को जिस जगह पे वो बिल्डिंग खड़ी है या जो बाउंड्रीज में वो सोसाइटी खड़ी है या सेट ऑफ बिल्डिंग विद एमिनिटीज आपका जो भी अंदर सारी फैसिलिटीज है उसका पूरा ओनरशिप सोसाइटी जो लीगल एंटिटी है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो लीगल एंटिटी है उनके पास ट्रांसफर कर देता है। तो कन्वेंस दो टाइप के रहते हैं, दो टाइप के इसलिए बोल रहा हूँ, एक जो बिल्डर आपको करके देता है जिसको हम कन्वेंस डीड बोलते हैं, और दूसरा रहता है डीम कन्वेंस जिसको मराठी में मानव हस्तांतरण बोलते हैं। मानव हस्तांतरण का मतलब ये है, काफ़ी जगह पे बिल्डर सोसाइटीज़ को हैंड ओवर करके नहीं दे रहे थे, कन्वेंस डीड करके नहीं दे रहे, तो ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटी निकाला है बिल्डर की जगह पे उस एग्रीमेंट पे डिप्यूटी कोऑपरेटिव रजिस्टर उसके बिहाफ आपको साइन कर देगा, ठीक है। अगर बिल्डर बोलता है मैं साइन करने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं कन्वेंस करने के लिए रेडी नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी के नाम पे वो बिल्डिंग कभी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए जो फैसिलिटी है वो है डीम कन्वेंस मानव हस्तांतरण। तो उसमें आपको एक एक फॉर्मल प्रोसेस है, अगर उसके लिए भी आजकल बहुत जगह पे कंसल्टेंट्स ही है बिकॉज हम लोग आजकल इतने बिजी रहते हैं कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंसल्टेंट जरूरी, लेकिन जो आप ये बातें बता रहे हैं अगर ये लोगों को जानकारी होगी तो शायद वो कंसल्टेंट से या इंडिविजुअली जा सकते हैं। हमने बिना कंसल्टेंट के किया है, जरूरी नहीं है कि कंसल्टेंट से करवाना ही चाहिए। मैं अगर आप में से कोई एक्टिव लोग सबसे पहले जब सोसाइटी फॉर्म होती है लोग साथ में आने चाहिए, इन सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, जो भी मतलब आपके लीगल हैंडओवर्स हो गए या फिर कुछ आपको बिल्डर से कुछ प्लान्स वंस लेने बाकी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कन्वेंस डीड, ठीक है। तो कन्वेंस डीड के लिए एक सेट ऑफ ग्रुप साथ में आई है, आपका आपके बिल्डर का सुनिए, आई मीन लाइक इसका इंटेंशन क्या है, अगर वो करके देने को रेडी है देन यू शुड गो फॉर अ कन्वेंस विच इज़ लेस कॉस्टली, हैसल फ्री है, ठीक है, जल्दी भी हो जाता जल्दी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, उसमें लगने वाली कॉस्ट भी कम है, कोऑर्डिनेशन भी कम लगता है क्योंकि बिल्डर के पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहते हैं, तो वो तुम्हारे बिहाफ सबमिट कर सकता है उसके खुद के लीगल एडवाइजर से, उसके खुद के एडवोकेट से, तो थोड़ा इजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, चीप हो जाता है। तो मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ, हमारे इसमें हमने नॉर्मल कन्वेंस किया था वो कैसे किया था, और हमारे आपके डेवलपर ने नॉर्मल कन्वेंस मैं कर जहाँ दिया। पर रहता हूँ ये वास्तु पूजा कॉरपोरेशन करके विशाल नगर के डेवलपर से हमारे बिल्डर में हमने नॉर्मल कन्वेंस प्रोसेस की थी, उन्होंने इनिशिएट किया था, हमने उसको तो सपोर्ट किया। आप उनके पास अप्रोच करने गए या डेवलपर ने अप्रोच किया? यहाँ पे हिस्ट्री ऐसे था, ये फेज बाय फेज में बिल्डिंग बनी थी, तो यहाँ पे शायद पहले बिल्डर ने इनको अप्रोच किया था, मैं तो अभी 2 साल पहले रहने को आया, ठीक है, बिल्डर ने अप्रोच किया था, बिल्डर ने अप्रोच किया था यहाँ पे पुराने लोगों को, बट समहाउ वो जो प्रोसेसेस है कोई अवेयर नहीं था या फिर शायद किसी ने एक्सटर्नल कंसल्टेंट को नहीं पूछा, तो मेरे पास एक छोटा पुराना एक्सपीरियंस था, तो समहाउ हमारे इंटरनल मीटिंग में मैंने बोल दिया हमारे साइड से जो भी काम है वो मैं कर लेता हूँ, ओके ठीक है, हम लोग उस
जो भी टॉपिक आपका छूटा था हम उसमें वापस घुसते और जो भी जो प्रोसीजर्स हैं तो मैं थोड़ा अवेयर हूँ और हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा इस बिल्डर के साथ वो डिस्कशन वापस चालू हुआ। आई थिंक वैसे नहीं, हैंडओवर तो मेरे ख्याल से 15-16 या 17 में हुआ था, बट हमें जो कन्वे जो किया ये अराउंड अभी 20 या 21 में किया हमने, 2021 में किया। फेजेस में बना? हाँ, बिल्डिंग पूरा फेजेस में बना। हैंडओवर 2017 में हो चुका था सोसाइटी फॉर्मेशन। सो 2017 से 2021 तक कन्वेंस के डिस्कशन हो रहे थे बट वो कंक्लूसिव नहीं हो पा रहा था। उसके लिए कैसा लगता है, थोड़ा सबको टाइम देना पड़ता है। मतलब यहाँ पे एक चीज निकल के आ रही है, अगर डेवलपर, जैसा आपने कहा कि डेवलपर ने खुद मनसा जताई कि मैं आपके साथ कन्वेंस डीड ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ, यानी पूरे राइट आपको देने के लिए तैयार हूँ। करेक्ट करेक्ट। तो जो लेने वाला यानी कि जो सोसाइटी है उसमें लोग कैपेबल हैं क्या, उनको जानकारी है क्या कि हमें किस किस तरीके से वो सारे राइट को लेना है? अगर आप तैयार ही नहीं होंगे, जिसके लिए वीडियो हम लोग बना रहे हैं, अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो डेवलपर तैयार होके भी क्या करेगा और आपके एग्रीमेंट में डाल के भी क्या करेगा? करेक्ट। अगर आप आगे से होके उस चीज़ों को ओन नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ओन करना चाहिए। छोटे छोटे लीगल प्रोसेस रहते हैं, मैं वापस बोलता हूँ कि कहीं कहीं पे कंसल्टेंट लगता है बट कुछ कुछ चीज़ें हमको खुद को करनी पड़ती है। जो चीज़ें आप अपने आंखों से क्लियरली कर सकते हो, कंसल्टेंट उतना आपके लिए उतना नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसका भी एक बिजनेस है। तो आपको अगर कुछ चीज़ें बिल्डर से मनवानी है, कुछ आपका लेफ्ट आउट वर्क है, कुछ चीज़ों को आपको बिल्डर से बात करके ब्रिज कर लेना है तो आपको ये बात करना पड़ेगा। तो फिर हम सोसाइटी में से 5-6 लोग साथ में आए, उस प्रोसेस में घुसे। ठीक है, हमने हमारा खुद का एडवोकेट दिया और होपफुली मतलब इसमें छोटे मोटे जो दिन लीगल प्रोसेस है, जो आपको एक AGM लेना पड़ेगा उसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, जो भी आपका सबसे पहले सोसाइटी की तरफ से एग्जीक्यूशन के लिए कौन साइन करेगा उसके लिए अथॉरिटी करनी पड़ेगी, बिकॉज ये इट्स अ प्रॉपर्टी ट्रांसफर। राइट राइट। आपको कोई पुराना बंदा है जो 2.5-3 acre की प्रॉपर्टी सोसाइटी के नाम पे कर रहा है, सो देर शुड बी सम अथॉरिटी हु शुड बी साइनिंग ऑन सोसाइटीज बिहाफ। तो उसके लिए एक AGM लेके हमने पूरा प्रस्ताव रखा, पूरी प्रोसेस समझाई, उसमें लोगों की राय ली। तो नॉर्मली क्या होता है, लोगों के एक्सपेक्टेशन अनलिमिटेड रहते हैं। राइट राइट। नहीं नहीं, करके मत लो, बिल्डर से ये लो, बिल्डर से बोलो, बिल्डर से बोलो, एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं होते। तो लोगों को काफी सारे एक्सपेक्टेशन थे कि ऐसा करके लेना चाहिए, वैसा करके लेना चाहिए। बिल्डर के भी अपने लिमिटेशन से, अगर 3-4 साल से हैंड ओवर हो गया तो इतनी कॉस्ट अभी मैं नहीं डाल सकता, जो मुझे करके देना तो मैंने कर दिया। ठीक है, तो फिर हमने फिर साथ में आके बात की, हमने भी हमारे लोगों को समझाया। लेकिन यहाँ पे आप ऐसी बात कर रहे हैं जहाँ पे डेवलपर की मनसा थी, डेवलपर की मनसा के लिए, देने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे तो मतलब डिस्कशन ऐसा हो रहा है कि जहाँ लोगों की मनसा ही नहीं है देने की। अच्छा, डेवलपर की मनसा नहीं, मनसा ही नहीं होती है, मतलब फिर भी यहाँ पे तो तैयार है। और इसके बाद भी देखिए यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं कि डेवलपर अगर तैयार है तो उसके बाद भी आपको प्रिपेयर होना है। कि आपके केस में तो डेवलपर तैयार था, पर आप लोगों को जो जानकारी दी जा रही है इसमें तो आपको 90% डेवलपर ऐसे मिलेंगे जो देना ही नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए आपको खुद भी प्रिपेयर होना है, जैसे आपने कहा AGM वगैरह बना के फिर आपको किसी को राइट देना होगा जो जाके साइनिंग अथॉरिटी हो, फिर वो साइन करके सारा हैंडओवरिंग ले। तो आप पहले प्रिपेयर होइए, इसको समझिए। ये हर एक जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं, जितने भी बायर्स हैं, उनको ये बात को समझना चाहिए। ये बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका बिल्डर रेडी नहीं है तो सबसे पहले मतलब हर सोसाइटी में थोड़े से मनमुटाव, थोड़े से ग्रुपबाजी होती है, बट मैं लिटरली रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसी बड़ी चीज़ों में लोगों में साथ में आए, क्योंकि छोटे छोटे इश्यूज़ की वजह से हम बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को सालों साल पेंडिंग रखते हैं। तो लोगों को साथ में आना चाहिए। AGM वगैरह में आप इसका प्रपोजल लो, इसका एक सेट ऑफ प्रोसेस है और काफ़ी सारे कॉपरेटिव जो अपने डिप्यूटी रजिस्टर के ऑफिस हैं वो लोग भी आपको कॉन्टैक्ट दे देंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी पीरियोडिकली इसके लिए काफ़ी सारे ड्राइव्स लेता है, मानवीय हस्तांतरण के अभियान लेता है, जहाँ पे एक डेस्क लगाते वो लोग, जैसे बीच में साकर संकुल में हुआ था या मार्केट एड में हुआ था। ठीक है, तो अपना महाराष्ट्र का जो मेरे ख्याल से गृह विभाग नहीं, अपना हाउसिंग डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो ये सारे ड्राइव्स लेता रहता है। तो उसको यूटिलाइज कीजिए, उसको आपको सिंगल डेस्क में पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसको आपको वहाँ पे एक अच्छे रेट पे कंसल्टेंट्स या अच्छे रेट पे वकील भी मिलेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे, आप मार्केट में जाओगे कन्वेंस डीड के लिए, अगर आप ये सारी प्रोसेस कर लेते हो, AGM में एक बार सोच लेते हो कि आपको करना है, फिर आप कंसल्टेंट ढूंढते हो, एडवोकेट ढूंढते हो, आज मार्केट में 3,000 से लेकर 10,000 रुपये पर फ्लैट लेने वाले डिफरेंट वैरायटी के कंसल्टेंट या वकील है। ठीक है, तो सही जगह पे जाइए, ऐसा नहीं बोलता कि हमेशा नॉलेज भी हो और पैसा भी कम लगे, और जिनके पास नॉलेज होगा मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी करना चाहिए, उनका पैसा तो मिलेगा ही। तो हमने पुराने यहाँ पे किया था तो मुझे लगता है हार्डली 2,000 या 2,500 पर पर्सन, क्योंकि वो डीम कन्वेंस था, हमारे बिल्डर जो थे पहले के वो करने के लिए रेडी नहीं थे। एक्चुअली बिल्डर रेडी थे बट हमारे कुछ लोगों ने वहाँ से कुछ डिस्प्यूट निकाला कि ये लैंड शायद हमारी है, जो शायद मैंने लास्ट फेज में वहाँ पे भी घर लिया था, मुझे नहीं पता था वो हमारी लैंड है। तो डिस्प्यूट में जाते जाते कोर्ट पेस में चला गया, तो कोर्ट केस में चला गया तो बिल्डर ने हाथ खड़े कर लिए।
उसके लिए फिर हमको वो कन्विंस डीड के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। फिर हमें एजीएम लिया, हमने एक रीजनेबल कंसल्टेंट हायर किया, हम भी मार्केट यार्ड में ही गए थे, वहाँ पे हमको सारी चीज़ें डिप्यूटी रजिस्ट्रार के जो भी लोग थे उन्होंने समझाई, काफ़ी सीनियर लोग थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उन्होंने सारी चीज़ें समझाई, हमको खर्चा बताया, प्रोसेस बताई, फिर हम उस प्रोसेस में घुसे। मैं एकदम हाई लेवल आपको अगर प्रोसेस इंट्रोड्यू मतलब बताना चाहता हूँ, तो जब भी आपका कन्वेंस में जाता है आपको 2-3 बार उस डिप्यूटी रजिस्ट्रार के सामने बुला के लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि तुमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दी तो तुम्हारा कन्वेंस हो गया, वो दोनों चीज़ों को दोनों साइड को हेयर करते हैं, डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी रहता है क्योंकि वो बिल्डर के बिहाफ आपके इस पे साइन करने वाले रहते हैं। तो वहाँ पे बिल्डर को बुलाते हैं, बिल्डर के वकील आते हैं, या डीम्ड के केस में बता रहे हैं, डीम्ड के केस में बता रहा हूँ, तो वहाँ पे बुलाते हैं, वो उनके कंसर्न्स रहते हैं कि मेरे लैंड पे कब्जा है जो भी है, बट मैं जितना मैंने देखा है बिल्डर का इंक्लिनेशन जो है नहीं करना रहता है या फिर वो जगह छोड़नी नहीं रहती, बट हमारे इसमें शायद वहां पे ऐसा हुआ था कि जो लाल सात बारा था उसमें शायद इसके पहले वाली सोसाइटी की बात पहले वाली सोसाइटी में शायद जंप कर दिया नहीं प्रोसेस से उस प्रोसेस में नहीं कोई दिक्कत नहीं लोगों को समझ में आ रहा तो वहां पे उस डिस्प्यूट की वजह से वो पूरा डीम कन्वेंस में चला गया। हमने वो प्रोसेस समझी ये कि 2-3 बार बिल्डर के वकील को उन्होंने बुला के लिया, बट मुझे जितना पता है हार्डली 2-3 बार ही वो लोग सुनते हैं, उसके बाद 99% जो सोसाइटी के फेवर में रिजल्ट जाते हैं। ये सिविल कोर्ट जैसा नहीं है, ठीक है, उनका कोऑपरेटिव का एक अपना प्रोसेस है, बिल्डर को बुला के लेते हैं, मतलब उनका पक्ष भी उनको एक बार सुन लेते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कल को वो अनएड्रेस जो आर्गुमेंट्स रहते हैं कि मेरा फ्लैट नहीं बिका, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, अगर तुम्हारे 60% लोग या सोसाइटी फॉर्म करके तुम अप्रोच करते हो, सोसाइटी फॉर्म करने के लिए आपको 51% लोग चाहिए, 50% तो उसके लिए क्यों इतने 100% कर रहे हो, तो फिर आपका उस इसमें आपके फेवर में वो रिजल्ट आना बहुत ज्यादा पॉसिबल है और रादर होता ही है। मतलब सो जहाँ पे यहाँ पे आपको बिल्डर से डिफिकल्टीज है आप बिंदास रीच कीजिए, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, ये कोई सिविल मैटर जैसा केस नहीं है और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है सिंगल डेस्क वाली वगैरह। अब आपसे मैं दो चीज़ फाइनली ये पूछना चाहूँगा और इसे समअप करेंगे। एक तो ये कि जब आपके केस में जो अभी प्रेजेंट केस में डेवलपर तैयार था तो ऐसे केस में कन्वेंस डीड करने में कितना समय लगा होगा जिस समय से एग्जीक्यूट करना आपने चालू किया? हमको लगता है हार्डली 3-4 महीने लगे रहेंगे, मैं 3-4 महीने में हायर एंड पे बता रहा हूँ, बट इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था हमारे लोग साथ में नहीं। अच्छा, आपस में जो है म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बनाना, अंडरस्टैंडिंग की सबके कंसर्न्स हैंडल करना, ये चीजें बाकी है वो चीजें, मतलब ये सब करके 3-4 महीने 3-4 महीने में। पिछले केस पे चलता हूँ जो मार्केट यार्ड वाली बात आपने बताई, बिल्कुल डीम्ड कन्वेंस के केस, उसमें कितना समय लगा रहा होगा? डीम्ड कन्वेंस में हमको करीबन 1 साल लगा था, ठीक है। तो ये है साथियों, अगर कोई डेवलपर नहीं करना चाह रहा तो आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी होगी, उसमें 1 साल लगेंगे। गणेश जी एक पर्सनल क्वेश्चन जी, मान लीजिए इतने व्यूअर हैं, देख रहे हैं, काफी लोग देखेंगे और काफी लोग शेयर भी करेंगे, जाहिर सी बात अच्छी जानकारी आपको शेयर करना चाहिए, लाइक मन कर रहा हो तो कर लीजिएगा, तो आप क्या चाहेंगे कि आपका कोई ऐसा कॉन्टैक्ट यहाँ डाला जाए, अगर आपका समय हो, लोग आपसे अगर हेल्प लेना चाहें वॉलंटियरली तो कुछ बात कर सके, अगर आप चाहें तो मैं ऐसा बिल्कुल देना चाहूंगा। मैं शायद मेरा कांटेक्ट नॉट ऑन फोन बट शायद आपके कमेंट बॉक्स में ऐसा कुछ या किस में मैं आपको शेयर करता हूं, मतलब इज इट ओके। मैं आपसे सवाल क्यों कर रहा हूं, देखिए क्या है, एक तो आपके पास समय होना चाहिए, दूसरी चीज क्या, बहुत से लोग हैं जैसे आपने बताया, अब बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, उनका कुछ अलग केस होगा, जैसे आपने बीच बीच में एक पॉइंटर्स डाले कि डेवलपर जो है पॉइंट्स निकालते हमारे यूनिट अनसोल्ड हैं और भी कई चीजें निकालते हैं, हमारा फेज 2 बनने वाला है तो हम पूरा बना के देंगे, ऐसी कई चीज़ें वो निकाल सकते हैं, ऐसा एन नंबर ऑफ थिंग्स बनती हैं, और कई बार ऐसा ऐसी चीज़ आ सकती है शायद जो हमने डिस्कस ना किया हो, तो मैं चाहता हूँ कि आपने इन सब चीज़ों को देखा है तो अगर आपके माध्यम से कुछ लोगों की हेल्प होगी और उनके माध्यम से आगे होगी तो ही जाके चीजों को जो हम पटरी पे ला सकते हैं हमारी तरफ से जो है। मैं मेरा मेल आईडी शेयर करता हूं चाहिए तो, जो मेरा सेकेंडरी है। साथियों मैं अभी देखिए इनकी तरफ से हमने वो कंसेंट ले लिया, यही मैं चाहता था, बस ये लाइन बोल दें आप तो आपको ये मेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके मन में कोई दुविधा है कन्वेंस डीड को लेके, ट्रांसफरिंग को लेके, कुछ दुविधा है, मैं नहीं कहता कि पूरा लॉयर के तरीके से हेल्प, लेकिन जो भी गणेश जी के माध्यम से हो पाएगा आपको गाइड करना, सजेस्ट करना, हो सकता है आपके कुछ ज़्यादा क्वेरीज हो तो आप आपस में फिर नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं मेल पे, जब भी इनके पास समय लगेगा, और इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को मदद मिलेगी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और हमें इसके बारे में जानकारी दी, ऐसे ही आप जो है अलग अलग माध्यमों से लोगों की मदद करते रहें। साथियों जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।